लास्ट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा ड्राइंग दिखाई देगा, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में आपका शो कर रहा। इसी तरह से आपका प्रिंट होकर के पेपर निकलेगा। इसमें अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम इन पे क्लिक कीजिए, छोटा करना चाहते हैं तो जूम आउट कीजिए। पेज सेटअप यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, प्रिंट यहाँ से भी कर सकते हैं और इस प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट के बाद है दोस्तों क्रोम स्कैनर और कैमरा। ये देखिए अभी हाइड है। इसका यूज कब होगा? जब हमारे सिस्टम से कैमरा या स्कैनर कनेक्टेड रहेगा तो ये एक्टिव रहेगा और यहाँ से हम लोग अपने कैमरा या स्कैनर के द्वारा पिक्चर को पेंट में ला सकते हैं। इसके बाद है सेंड इन ईमेल। आपने जो पिक्चर बनाया है इसे आप अपने मेल पर इसके द्वारा, इस ऑप्शन के द्वारा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। दोस्तों इससे हमने जो पिक्चर बनाया है पेंट में इसे अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। बैकग्राउंड यानी कि यह डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, इसमें आप इसे लगा सकते हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें फील, डायल और सेंटर है। इसके बारे में आप लोग को विंडोज वाले क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। फील से आपका पिक्चर पूरा बड़ा होकर के दिखेगा, टाइल में छोटे छोटे पार्ट में दिखेगा और सेंटर पे पूरे डेस्कटॉप के बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को इसको बैकग्राउंड में लगा कर दिखाते हैं वह बटन काम करता है कि नहीं। आप आ जाइए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, जैसे ही क्लिक करेंगे यह जो हमारा पिक्चर है बैकग्राउंड में फील ऑप्शन पे लग जाएगा। तो इसका यूज हम लोग बैकग्राउंड पे लगाने के लिए करते हैं। लास्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से हम लोग पेंट के पेज की पूरी जानकारी लेते हैं। जो हमारा ये पेंट में पेज है इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहा लास्ट सेव, हमने इसे कब सेव किया है, तो आज के डेट पे 5 अगस्त को हम इसे सेव किए हैं। इस टाइम पे किए हैं वो बता रहा। साइज ऑन डिस्क इसका 39.5 KB है और रेजुलेशन इसका 96 DPI है। रेजुलेशन इसकी क्वालिटी को दर्शाता है, साइज इसके भार को भी दर्शाता है कि कंप्यूटर में कितना स्पेस ले रहा है। इधर यूनिट है दोस्तों, यह कंप्यूटर के द्वारा डिफॉल्ट रूप से पिक्सल में दिखाता है। अगर आप चाहें तो इसे इंच और सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। इधर है कलर, ये जो ड्राइंग बना है वो किस में है, कलर में है। अगर हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। देखिए जैसे ही ओके किए यह ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि हम जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट पर इसको अगर कर देते हैं चेंज, तो हम वापस इसको करेंटली पुराने रूप में नहीं ला पाएंगे क्योंकि हमारा जो कलर है यह लॉस हो जाएगा, तो हम इसे अभी नहीं करते हैं। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाना रहेगा या आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंट पिक्चर को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब नीचे देखिए दोस्तों इसका विड्थ और हाइट दिखा रहा है। जो हम आप लोग को यहाँ पर दिखाए थे लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई आप देख पा रहे हैं 900 यहाँ दिखा रहा, 510 यहाँ दिखा रहा। ये साइज था उसकी, मतलब कंप्यूटर में कितना स्पेस ले रहा, 39.5 KB जो कि यहाँ पर आप लोग को दिखाया था। अगर हम पेज का साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि हम इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं या हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अभी इसका मान लीजिए कि ये 900 है, इसको हम 1000 कर देते हैं, तो आप देखिएगा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ तक था पहले से, अब यह यहाँ तक बढ़ करके हो गया। तो दोस्तों पेज का साइज को बड़ा करने और छोटा करने के लिए भी हम लोग इसका प्रॉपर्टीज ऑप्शन का यूज करते हैं। डिफॉल्ट में करेंगे तो यह पहले से जितना था उतना हो जाता है। ओके अगर हमें इसे ओके करना है तो, और कैंसिल हमने जो चेंज यहाँ किया है उसे नहीं रखना है तो कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों एक और तरीका है हमारे पेज को बड़ा या छोटा करने के लिए, वह है आप जब पेज को ध्यान से देखिएगा तो आपको छोटा सा यहाँ पर एक पॉइंटर दिखाई देगा और यहाँ पर जैसे ही आपका क्रसर आएगा तो इसका रूप चेंज हो जाएगा, अप डाउन में यह दिखाने लगेगा। तो हम इसके थ्रू भी पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आपका इधर भी दिखाई देगा, छोटा या बड़ा कर सकते हैं और कॉर्नर में भी दिखाई देगा, इससे भी हम लोग पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं या यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है
अबाउट पेंट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पेंट के वर्जन के बारे में और पेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता है, कौन सा वर्जन है और कहाँ से यह यूज हो रहा है। नेक्स्ट है एग्जिट, यहाँ से हम लोग अपने पेंट एप्लीकेशन से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो जो काम आपका क्लोज बटन यहाँ से करता है पेंट को क्लोज करने का, वही काम यह भी बटन करता है। अब इसी पेंट टैब में आपको दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे रिसेंट पिक्चर के नाम से बताया जा रहा है। रिसेंट पिक्चर में दोस्तों जो भी पिक्चर हाल में बनाते हैं और उसे कहीं पे भी सेव करते हैं उसका यहाँ पर लिस्ट दिखाता है, जिससे कि हम अपने पुराने पिक्चर को देख सकते हैं और पुराने पिक्चर पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम ओपन से जा कर के करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं और यहाँ से भी रिसेंटली हम अपने पिक्चर को ला सकते हैं। जैसे कि हम पेंट वन को लाना चाहते हैं जो पहले सेव किए थे, तो देखिए इसका चेंजिंग को बोल रहा है सेव करना है कि नहीं करना है, तो हम डोंट सेव किए, देखिए आ गया जिससे हम कलर फेल यहाँ पर नहीं किए थे। हम चाहें तो ओपन से भी ला सकते हैं और यहाँ पर अगर हमारा रिसेंट फाइल में दिखा रहा है तो यहाँ से भी ला सकते हैं। तो दोस्तों पेंट टैब को आप लोग समझ गए हैं बहुत ही अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम समझने में हो रही होगी, फिर भी अगर हो रही होगी तो मैं हूँ आप लोगों के लिए आपको काफ़ी अच्छे से बताने और समझाने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को होम टैब की जानकारी देते हैं। तो ये होम टैब की जानकारी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा लगे और ज़्यादा आप लोग बोर भी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आप लोगों को होम टैब और व्यू टैब की पूरी जानकारी देंगे। जय हिंद दोस्तों।